हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नाजा एंड वाइपेरो वायरस। ये आज हमारी ओफिडिया ग्रुप का 5th पार्ट है जिसमें नाजा और वाइपेरो को डिस्क्राइब किया जाएगा और कुछ क्लिनिकली ऐसे सिम्टम बताए जाएंगे जो इंडिकेटेड होंगे, हमें पेशेंट को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाजा, जिसे कोबरा पॉइजन बोलते हैं, जिसे कोबरा पॉइजन से बना हुआ है। कोबरा पॉइजन जो होता है इज ऑल्सो एज डेडली एज लैकसिस एंड क्रोटेलस, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है नर्वस सिस्टम पे, जो आगे जाके वुल्वर पैरालिसिस फीलिंग रहेगा, जैसे लॉस ऑफ पावर ऑफ लोअर लिम्स हो गया, एफेजिया हो गया, कंट्रोल जैसे लॉस हो गया है, या स्वॉलोविंग या मूवमेंट जैसे लिप्स के मूवमेंट हो गए, हैंड के मूवमेंट हो गए, कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप की फीलिंग होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो पावर होना चाहिए ग्रेजुअली वो लॉस हो गया। इसका पॉइजन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इससे बनी हुई मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये ब्लड पे, ब्लड डिजीजेस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स है, नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये जितनी भी जो इसकी कंप्लेन होती है सेटल होती है हार्ट पे, मतलब जो नाजा होता है उसका बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्शन जो होता है वो हार्ट पर होता है। अब हम थोड़ा सा नाजा के लिए अपन माइंड समझते हैं। ये ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं लाइक ओफिडिया, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। जब भी नाजा के पेशेंट को इंजुरी होगी, कोई भी चीज़ से इंजुरी होगी, उसके मार्क्स हमेशा उसमें छोड़ जाते हैं उनके बॉडी पे, और वेरिकोसिटी वेल मार्क्ड होती है, क्योंकि जो भी डिजीज स्टार्ट होती है, हो सकता है वेसल्स की डिजीज़ हो, आर्टरी की डिजीज़ हो, हार्ट हो, वो बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं, बहुत ही सेल्फिश होते हैं नाजा ग्रुप। तो पेशेंट में हमें भी बहुत सेल्फिश, बहुत जेलसी, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन इस टाइप का मिलेगा, और साथ में ये लेफ्ट साइडेड होती है, प्रिंसिपली अफेक्टेड होती है, और इनकी सारी कंप्लेन लेफ्ट टू राइट जाती है। जैसे लैकेसिस भी लेफ्ट साइडेड थी, लेकिन क्रोटेला सॉलिडस राइट साइडेड था। जो ऑल वी कंप्लेंट्स होंगी इनकी, एग्रवेट होंगी आफ्टर स्लीप, क्योंकि पहले ही मैंने ओफिडिया ग्रुप को आपको डिस्क्राइब किया था कि इनकी जितनी भी कंप्लेन होगी एग्रवेट होगी स्लीप से। वो मॉर्निंग में जब उठेंगे ना, तो बहुत आलसपना, डिजी, ड्राउजी टाइप की फीलिंग होगी, लेकिन ये नाइट वर्कर होते हैं, नाइट में इनका काम बहुत बेस्ट, बहुत एक्टिव होगी। जैसे बच्चे हैं, रात में शाम को खोलने का बोल दो, प्ले करने का बोल दो, कुछ भी एक्टिविटी करने का बोल दो, तो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी नाइट में। अब हम आगे बात करते हैं कि ये बहुत ही प्रोफाउंड एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ट्रेम्बलिंग होगी ऑल मसल्स, क्योंकि अगर कोई पॉइजनस कंडीशन है या कुछ अदर है, तो वहाँ पे ट्रेम्बलिंग होगी पूरे मसल्स में, एग्जॉस्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा थ्रोट और चेस्ट में, तो हमें उससे क्लियर हो जाएगा कि ये नाजा हो सकता है, नाजा ग्रुप का हो सकता है पेशेंट। और सेंसेशन ऑफ हॉट आयरन रनिंग थ्रू द सिस्टम, पूरे बॉडी में उसको हॉट आयरन वाली, बर्निंग वाली जो फीलिंग होती है ना, वो फील होगी। कॉपियस स्वेटिंग होगी हैंड फीट में, उसको पफिननेस फुलनेस वाली फीलिंग आएगी, और नाजा का पेशेंट कभी कभी सुसाइडल इंसैनिटी होगा, रूड होगा, कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, ठीक है। चिली पेशेंट हो सकता है, ब्लड वेसल्स नर्व वेसल्स में बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो सकता है, सिंपल हाइपरट्रॉफी हो सकती है हार्ट में, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया, हाइपरट्रॉफी, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी, कोई वॉल्वुलर लेजन हो गया, ठीक है, और एक्साइटेड और ट्रिमेंडस एक्शन ऑफ द हार्ट, पाल्पिटेशन होगा हार्ट में, एक्जर्शन टॉकिंग वॉकिंग से हो सकता है, सीवियर स्टिचिंग पेन होगा चेस्ट रीजन में, एक्सटेंडिंग उसका दर्द एक्सटेंड होगा नेप ऑफ द नेक, शोल्डर और आर्म तक, पल्स इरेगुलर हो सकती है इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम में होगी, सेंसेशन ऑफ ऑपरेशन की एकदम चेस्ट में कंप्रेशन टाइप की हैवीनेस वाली फीलिंग आएगी, मार्क्ड सिम्टम ऑफ लो टेंशन, थ्रेटेंड पैरालिसिस हो सकती है हार्ट की, पोस्ट डिप्थेरेटिक इरिटेटिंग ड्राई टाइप का सिंपैथेटिक कफ हो सकता है, एक्यूट स्टेज ऑफ रूमेटिक कार्डाइटिस में, या क्रोनिक ऑर्गेनिक लेजन हो सकता है। सारे जो पेन्स एग्रवेट होंगे वो कैरेज राइडिंग इन ओपन एयर आफ्टर स्लीप के बाद अपने को दिखेंगे।
साथ में पेशेंट बहुत ही एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, डिप्रेस्ड होगा, एवर्जन टू, मतलब बिल्कुल भी बात करने का तो उसको बिल्कुल मन, क्योंकि उसको कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़, बोलने में भी उसको बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए एवर्जन टू टॉकिंग, मेलनकोली, दुखी टाइप का रहेगा, ब्लर स्पीच रहेगी उसकी, पानी से हाइड्रोफोबिया भी इसको रहेगा। और जो भी चोकिंग, नर्वस, क्रोनिक पाल्पिटेशन, इस टाइप की जो भी कंप्लेन होगी, ये पब्लिक स्पीकर में भी मिल सकती है। सीवियर स्टिचिंग पेन होगा रीजन ऑफ द हार्ट पे, तो ये नाजा के प्रोमिनेंट सिम्टम हैं जो हमें क्लिनिकली बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। अगर ऐसे कोई सिम्टम मिलते हैं तो हम नाजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो वाइपर रहेगा वो अफेक्ट करेगा ब्लड ब्लड वेसल्स को, तो सबसे जो इसका कीनोट सिम्टम होगा, बस्टिंग टाइप का सेंसेशन रहेगा, अफेक्ट करेगा लिम्स में, अनबियरेबल पेन होगा व्हेन लिम्स आर अलाउ टू, जब वो पैर को लटका के बैठेगा तो उसको बहुत ही अनबियरेबल, बिल्कुल सहन नहीं करने वाला पेन होगा। जो पेशेंट होगा उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकती है वेसल्स में, कोई वैरिकोज वेन, एंटी हेमरेजिक मेडिसिन चाहिए, तो फ्लेबाइटिस हो सकता है, कोई लिम्फ निजर, लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो सकता है, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, ऐसे टाइप के बहुत सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं जहां हम वाइपर को इंडिकेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।